डबल बेड पर नोटों के बंडलों की ये हरियाली करप्शन मॉडल पर सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी बयां कर रही है। लगभग जितनी बेड की ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई पर उस पे नोटों का अंबार लगा हुआ है। बेड के दोनों किनारों पर रखे बॉक्स में भी नोटों के ढेर हैं। कमरे में मौजूद इन नोटों के बंडलों की कीमत करीब 80 करोड़ बताई जा रही है। तस्वीरें आगरा के एक जूता कारोबारी के घर की हैं, जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कैश रिकवर किया है। आईटी की टीम ने सनीचर को 3 जूता कारोबारियों के घर छापेमारी शुरू कर दी थी, जिनमें से सबसे ज्यादा कैश हरिमिला ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर से मिला। रामनाथ डंग के घर से नोटों की गड्डियों का पहाड़ मिला। अलमारी, बेड, सूटकेस, तकिए और गद्दों में नोट भरे थे। नोटों को गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवाई गई। नोट गिनते गिनते मशीन गर्म हो गई। कुछ देर के लिए उन्हें बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, नोट गिनने के लिए बैंक वर्कर्स को शिफ्ट में बुलाना पड़ा। रामनाथ डंग को आगरा में पर्ची कारोबारी का किंग भी कहा जाता है। इसी पर्ची मॉडल के लिए उन्होंने ब्लैक मनी की सल्तनत कायम की। क्या है ये पर्ची कारोबार समझिए। लोकल जूता कारोबार उधार पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ट्रेडर्स छोटे कारोबारियों की तुरंत अदायगी के बजाय पर्ची बनाकर देते हैं। पर्ची पर तारीख और ड्यूरेशन लिखी होती है। इसमें बिजनेस में कैश नहीं दिखाई जाती। बड़े पैमाने पर टैक्स में भी हेर फेर होती है। रामनाथ डंग ने 20 साल पहले आटे की चक्की चलाकर शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे पर्ची कारोबार की ABCD सीख कर उन्होंने जूतों के बिजनेस में पर्ची सिस्टम से अपनी धाक बना ली। जूता कारोबारियों की यहाँ इतनी बड़ी कैश रकम बरामद होने के पीछे इलेक्शन भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इलेक्शन की वजह से पर्चियों के बदले कैश की अदायगी नहीं हो पा रही थी और लगातार कैश इकट्ठा हो गया था, जिसकी खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग गई थी, जिसके बाद IT ने हरमिलाप ट्रेडर्स और इससे जुड़े बिके शूज मंशू फुटवेयर के यहाँ रेड मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।